हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। माय नेम इज कोबरा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एपिक बॉयज गेमिंग चैनल में। और गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं आइसक्रीम मैन, क्योंकि गाइस आप सभी लोगों ने जो आइसक्रीम मैन का गेम प्ले आया था ना पहले, उस गेम प्ले को आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से उसी गेम प्ले को दोबारा लाया जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ताबड़तोड़ पलंग तोड़ गेम प्ले। और हाँ, आप सभी लोगों को ये गेम प्ले देखना पड़ेगा बिल्कुल एंड तक, क्योंकि एंड में जो होगा ना आप लोग खुद बोलोगे अपने मुंह से कि वाह कोबरा क्या करा है तूने ताबड़तोड़ पलंग तोड़ की तरह। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ताबड़तोड़ गेम प्ले। तो चलिए फिर, ये रहा हमारा रूम, बहुत ही शानदार रूम है हमारा। और ये हमको खोलनी पड़ेगी विंडो पहले, तो ये विंडो खोल देते हैं हम, बहुत ही बढ़िया खुल जाए विंडो। और वो रहा हमारा सामने शैतान, मतलब ये देखो बच्चों को कैसे किडनैप करता है यार ये। ये देखो देखो, पहले खुद ही हाथ दिखा रही है उसको, इतना हराम इंसान है ये। देखो यहाँ पर 5 रुपये की आइसक्रीम है, 10 रुपये की आइसक्रीम है, लेकिन नहीं जी इसको तो, ये देखो उसने सुंगा दिया उसको अपने मुँह से कुछ, लेकिन ये हमको भी देख रहा था भाई। तो हम छुप जाते हैं, वो ये इसको अंदर ले किया। तो चलिए फिर कोई बात नहीं, हम इस बच्चे को बचाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगी नाड़ा, और ये नाड़ा मैं अपने इतर भी यूज़ करूँगा भाई पजामे के अंदर। तो ये नाड़ा हमने लगा दी है, यहाँ से चलते हैं नीचे हम, बहुत ही बढ़िया बहुत ही रफ्तार उतरेंगे। और अब हमको छुपना पड़ेगा इस डॉगी हाउस के अंदर, तो यहाँ पर छुप जाते हैं हम डॉगी हाउस के अंदर। अच्छा, ओ भाई सब बाहर आ चुका है। अच्छा समझ गया, ओफो किस कदर इसकी भटक रही है इसकी। ये देखो दो भाई साहब, इसकी जेब में से गिर चुका है मैप, तो हमको ये मैप उठाना होगा। तो चलिए फिर, कहाँ है बेटा, चलो बाहर निकलते हैं यहाँ से, हम मैप उठाते हैं और मैप उठा के जाएंगे कहीं और। उठ जा मैप, और ये हमने मैप, क्या हो गया यार दिक्कत क्यों दे रहा है आज। तो ये हमने मैप उठा लिया है, ये इसकी वैन खोलते हैं हम, यहाँ पे हमने लगा दिया है मैप, लगा दे यो। चलिए फिर यहाँ से, ओ बहन चोद कैसे कैसे ये अंदर कैसे आ गया यार, मैंने तो गेट बंद करा था, उसको कैसे पता लगा कि मैं वैन के अंदर हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा से ट्राई मारेंगे, हम चलते हैं नीचे यहाँ से, बहुत ही बढ़िया। तो ये हम उतर चुके हैं नीचे विंडो से अपनी, और हमको ओ भाई साहब इसने दोबारा देख लिया मेरे को। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं बच जाऊँगा इस बार, इसके हाथ तो नहीं आऊँगा मैं इस बार। तो इसको घुमाते रहेंगे इसको, बहन चोद पीछे आ गया यार ये तो। कोई बात नहीं आगे बढ़ते रहेंगे हम। ओ भाई साहब ये मेरे पीछे लगा हुआ है यार, क्या हो गया इसको, ये देखो यार मतलब घूमते कैसे आ रही है, इतना अच्छा कैसे हो गया यार ये। कोई बात नहीं आराम से हम उस बच्चे को ज़रूर बचाएंगे। हम थोड़ा बाहर जाते हैं इस एरिया से। ओ भाई ये कह रही है भाई आपको बच्चे को बचाना है, थोड़ा गेम पर ध्यान दो। भाई गेम पर तो ध्यान दे रहा हूँ यार मैं, कोई बात नहीं। ये यार इसने मेरा खून पी लिया यार, क्या करूँ मैं। ये देखो यार मतलब इतनी रफ्तार कैसे हो गई इसकी तेज़। कोई बात नहीं आराम से चलेंगे इसकी। ओ भाई सब ये आ रहा है, बच गया, निकलो यहाँ से। और भाई क्या कर क्या रहा है मेरे पीछे, क्यों गोल गोल घूम रही है यहाँ पर। कोई बात नहीं भाई इसने हमको, ओ बच गया ये, फिर देख लिया यार इसने एक बार फिर से। कोई बात नहीं, थोड़ा ईजी करेंगे, कोई बात नहीं। ओ बहन क्या यार, बच गया था मैं लेकिन दोबारा देख लिया इसने। कोई बात नहीं, मतलब हमने इतने चक्कर लगा लिए कि हम दोनों की शादी हो चुकी है यहाँ पर। मैं यार ये फिर ही मुझे गोल गोल घुमाएगा यहाँ पर ये। कोई बात नहीं, मैं डोर खोलता हूँ और मैं चलता हूँ, डोर को बंद करके यहाँ से निकल जाते हैं। ओह मैं नहीं जा सकता मैं यार, क्योंकि इसने मेरे को देख रखा है। कोई बात नहीं, ओह गया भाई, हो गया हमारा काम। चलिए फिर, तो फिर यहाँ से हम चलते हैं स्टॉल। तो चलिए फिर गए चलते हैं स्टॉल, बहुत ही मज़ा आने वाला है वहाँ पर भी। ओ भाई देखा आइसक्रीम मैन बाहर घूम रहा है, और उसकी जो वैसे ये वैन है वो खुद चल रही है अपने आप ही। तो यहाँ पे रात हो चुकी है, तो कोई बात नहीं रात वो सबकी माँ चोद देंगे। ऐसे कैसे चोद देगा भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, इसने तो सही में मेरे को फोड़ फाड़ दिया यहाँ पर यार। कोई बात नहीं यार, मेरे दो चार जीव खराब हो चुके हैं, इसने मेरे को बंद कर दिया है फ्रिज के अंदर। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं हम, हमको ये तोड़ना पड़ेगा। लेकिन नहीं जी, मैं ये गेम पहले भी खेल चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं। तो यहाँ पर हमको मिलेगी टेप, और टेप से हमको जोड़ने पड़ेंगे वायर को, और गेट खुल जाएगा। ये हमको मिल चुकी है, टेप बंद क्यों हो रही है यार। तो बाहर आ जा, ये हमने टेप हाथ में ले लिया, और ये रही वायर। तो ये वायर हमने चिपका दी, और हम छुप जाएंगे क्योंकि बाहर आइसक्रीम मैन घूम रहा है। तो यहाँ पर हम बंद हो चुके हैं दोबारा से फ्रिज के अंदर अपने आप ही। तो बाहर उसकी कदमों की आवाज़ें आ रही है मेरे को। कोई बात नहीं, ये देखो सामने खड़ा है वो भाई, देखा कैसे खड़ा था आधा, ऐसी लड़कियाँ खड़ी होती है ना लाल बत्ती पे, ये बंदा बिल्कुल वैसे खड़ा हो चुका था यहाँ पर। तो ये पड़ा हुआ हमारा गैस कैन, इसको उठा लेते हैं हम क्योंकि ये खाली है अभी। तो इसको हम पहले देकर आएंगे अपनी वैन के अंदर, कोई है तो नहीं ना यहाँ पे आसपास। तो हम गेट बंद कर देते हैं गैस, और हम चलते हैं यहाँ से अब कैफेटेरिया।
वापस जाके कॉफी वॉफी पियेंगे, चाय वाय पियेंगे, बस जिंदगी के मजे लेंगे हम तो। अब तो हम आ चुके हैं कैफेटेरिया में, कोई भी बंदा नहीं है यहाँ पर, देख रहा हूँ, मतलब VIP वाली फीलिंग आ रही है मेरे को यहाँ पर आने के बाद। तो पहले हम यहाँ पर इसको फेंक देते हैं गैस कैन को। यार खांसी हो रही है, तो बाहर चलते हैं। यहाँ आपने गेट खोल दिया है, यहाँ पे भी गेट खोल देते हैं। कोई है क्या यहाँ पर? कोई भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमको मिलेंगी दो चीज़ें, एक होगा कुछ चीज़ है मेरे ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन हमको यहाँ से दो चीज़ें मिलेंगी। एक मिलेगा कोट, ओ यार कैसे मिलेगा कोट जब ये मेरे पीछे पड़ के आती है यहाँ पर। कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे हम गोल गोल घुमा देंगे, क्योंकि वहाँ पर एक विंडो टूटी होगी, ये रही विंडो। तो इस विंडो से अंदर चलते हैं, वो बाहर जा चुका है, चल बेटा अंदर। तो अंदर आ चुके हैं, अब हमको ढूंढना है यहाँ पर एक कोड। वो कोड हमको कहाँ मिलेगा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो कोड हमको यहीं पर ही मिलेगा। तो इस यहाँ पे क्या डस्टबिन के अंदर कुछ है क्या? तो ये डस्टबिन चेक करते हैं हम, कुछ तो काम की चीज़ मिलेगी ज़रूर। कुछ भी नहीं है डस्टबिन के अंदर। और यहाँ पर जो ड्यूटी है वो है पावल की ड्यूटी है, वो जो पावल है वो हरामखोरी कर रही है, बताओ। उसका ड्यूटी जो कार्ड होता है वो हमको बहुत ही ज़रूरी चाहिए, वो कहाँ मिलेगा वो भी ढूंढना पड़ेगा हमको। कोई बात नहीं, डस्टबिन के अंदर कुछ मिल जाए तो कोई काम की चीज़, मज़ा आ जाएगा भाई, क्योंकि अभी वो है नहीं आइसक्रीम है हमारे पास। तो इसमें भी कुछ भी नहीं है, ये भी खाली है, और ये नीचे पड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ है क्या? कोई बात नहीं, ये हमारा पूरा होने वाला है, और ये पूरा हो गया, और हमको मिल चुका है कोड, और कोड है 4859। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इस कोड को एंटर, और वो डोर खुल चुकी है, लेकिन मेरे को आवाज़ आ रही है आइसक्रीम मैन की धीरे धीरे से। तो पहले हम यहाँ पर गेट बंद कर देते हैं ताकि वो अंदर ना सके। तो हम जाएंगे अंदर, अंदर से हमको मिलेगा कोइन, लेकिन कैसे ले यार, वो फिर से आ गया हमारे पास। तो इसको गोल गोल घुमाएंगे यहाँ पर भी हम, देखो ये देखो, मतलब कैसे आ रही है, दादागिरी दिखाई दे मेरे सामने कि वो यहाँ का डॉन है। कोई बात नहीं भाई, उसका गेम है तो वो तो उधम मचाएगा इस गेम के लेके अंदर। कोई बात नहीं है, देखो बाहर जा रही है वो, तो वो बाहर गया, अब हम जाएंगे विंडो से अंदर, वो रहा बाहर, गया गया। यहाँ पर हम गेट बंद कर देते हैं पहले, तो ये गेट बंद हमने कर दिया। यहाँ पर हमको मिलेगा कोइन, और ये कोइन कहाँ पे यूज़ होगा मेरा ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये कोइन बहुत ही काम की चीज़ है हमारे लिए। तो हम जाएंगे वैन के अंदर, और वैन के अंदर रख देंगे इस कोइन को जाकर। तेरी गांड मार दूंगा। कैसे गांड वांड क्यों मारेगा भाई, तू पागल हो गया क्या? किरे तेरी गांड मार दूंगा, पर गंदा इंसान है तू साले हरामखोर। कोई बात नहीं, यहाँ से बाहर निकलते हैं हम, कुछ मिल जाए डस्टबिन में, कुछ है क्या? ये डस्टबिन में कुछ भी नहीं है यार, हमको दो चीज़ें चाहिए थी, एक चीज़ तो हमको मिल गई है, और एक और चीज़ हमको ढूंढनी है, वो क्या थी मेरे ध्यान में नहीं आ रही अभी, लेकिन वो चीज़ हमको यहीं पर ही मिलेगी। यहाँ पर भी नहीं है यार, कुछ तो मिल जाए यार, वो काम की चीज़ थी, बहुत ही काम की चीज़ थी यार, वो मेरा ध्यान नहीं आ रही है यार। कोई बात नहीं, ढूंढते रहेंगे यहाँ पर, आराम आराम से चलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर आइसक्रीम मैन है नहीं, तो आराम आराम से चलेंगे बिल्कुल सलीके से। ये बहन का रोला फिर आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे घुमा देंगे हम। मतलब ये देख रहे हो उसके कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं, मैं सारे कपड़े तो बदल लिया कर अपने। चलो जी हम यहाँ से निकलते हैं, क्या पता हमको वो चीज़ बाहर मिल जाए, लेकिन हमको वो चीज़ बाहर भी नहीं मिली, हम दोबारा से अंदर आ चुके हैं। तो हमको कुछ, ये तो हंस रही है साला हराम खोर बाहर। तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है भाई, ओ बहन चोद, उसकी आवाज़ भी नहीं आई यार अंदर, कि ये कैसे अंदर घुस गया यार, गेट तो मेरे बंद कर रखा था। चलो जी, ये हमको दोबारा से यहाँ पर ले आया अपनी खुफिया अड्डे पे, और यहाँ पे हमने इसने हमको दोबारा से बंद कर दिया है फ्रिज के अंदर, लेकिन हमको पता है ऐसे बाहर कैसे जाना है। तो ये पड़ी हुई बॉल, इस बॉल से हम तोड़ देंगे इसको विंडो को, तो विंडो तोड़ दिया हमने, बाहर चलते हैं जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, गेम प्ले बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से हम दोबारा से चलते हैं, इस बार हम जाएंगे प्ले वो पार्क ही चलेंगे इस बार हम, तो पार्क ही में जाके भाई सब कार वार देखेंगे जाकर, BMW मर्सिडीज ऑडी वोडी। तो ये हम प्ले ग्राउंड आ चुके हैं, और प्ले ग्राउंड क्लिक कर रहा था मेरा, लेकिन मेरा तो पार्किंग लगाया था यार। लेकिन कोई बात नहीं, इस गेम पे तो बहुत ही लंबे लंबे ग्लिच है, आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पर आइसक्रीम मैन है ही भाई, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर आइसक्रीम अंकल वाले जो है वो है ही नहीं। और यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ है क्या? ये ओ समझ गए समझ गए समझ गए, जो हमको जो कॉइन मिला था वो कॉइन यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो चलते हैं अपनी वैन के अंदर, यहाँ से उठाएंगे कॉइन, कहाँ है कॉइन? ओ चमक गया, अच्छा दिख गया दिख गया दिख गया, बहुत बढ़िया। तो ये कॉइन उठ क्यों नहीं रहा यार, उठ गया कॉइन। तो चलिए अब चलते हैं कॉइन को यूज़ करते हैं, हमको कुछ काम भी चीज़ मिल सकती है वहाँ से। तो यहाँ पर हमने ये कॉइन कर दिया एंटर, और ये बटन दबा दिया हमने, आराम से भाई आराम से। कभी वो आइसक्रीम कल आ गया तो वो यार वो पीछे से आएंगे ढप्पा बोल देते, पीछे से मारते यार वो बहुत गंदी आ जाती है उनकी, पीछे से मारते क्यों यार, आगे से मार लो ना। दिक्कत वाली बात क्या आई, वो गन हमारे अंदर हाथ, ओ भाई हमारे पास 10 M इस गन की, देखते हैं ये गन काम करती कैसे। आराम से जाएंगे आइसक्रीम अंकल के पास, यार आइसक्रीम अंकल हमने इसके सर पे मारा तो ये हो चुका है बेहोश। ओ भाई सब, मतलब ये 1 मिनट तक सोता रहेगा, 1 मिनट से पहले ये उठेगा नहीं। तो ये बहुत ही काम की चीज़ें हमारी नहीं है, तो इसको हम पूरे गेम प्ले में अपने साथ रखेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और ये रहा JCB, JCB में क्या है भाई, ये बटन दबाते हैं। ओके पहले हमको इसको दबाना है, अब खोल गया,
अब भी नहीं खुलेगा। दोबारा दबाते हैं इसको, दूसरा बटन इसका, अब खुलेगा ये। ओ भाई सब, मतलब पार्क की दो साइड है और दूसरी साइड जो वो ओपन हो चुकी है। तो चलिए फिर चलते हैं पार्क की दूसरी साइड में। ओपन जो हुआ है यहाँ से हमको घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से रास्ता बंद है। तो आराम से जाएंगे यहाँ से, बिल्कुल घूमते घूमते हुए जाएंगे हम। पूरे पार्क के अंदर भी कोई भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ यार के 14 फरवरी जा चुकी है, वरना मैं अपनी बंदी को यहाँ पर लेकर आता। पूरे पार्क के अंदर कोई भी बंदा नहीं है और घपक अब चलता हमारा। तो कोई बात नहीं, देखो भाई हमारी बंदी तो है नहीं, यहाँ पार्क में घूमते हैं खाली। तो यहाँ पे ये क्या पड़ा है, कुछ है क्या यहाँ पे काम की चीज़ यार पार्क में, कुछ चीज़ कहाँ? ओ नहीं नहीं, जैकेट पड़ी है। उस जैकेट के अंदर है ऑफिस की, यानी कि ऑफिस की चाबी है इस जैकेट के अंदर। देखते हैं ये चाबी हमारे कहाँ पे यूज़ आएगी। तो अभी हम चलते हैं वापस अपनी वैन के अंदर, चाबी को रखने के लिए, ताकि वो जो आइसक्रीम अंकल है वो सो रहे हैं क्योंकि हमने उनकी गोली मारी थी, तो वो एक मिनट तक सोते रहेंगे। तो यहाँ से गुफा से बाहर निकलते हैं हम आराम आराम से। अभी वो उठा नहीं है बंदा, उठ गया है यार वो, कोई बात नहीं, हम वापसी जाते हैं इस पाइप से अंदर अपनी गन को उठाने के लिए। तो ये हम चलते हुए बहुत ही स्लो चल लिया यार, क्या हो गया तेरे को मेरे बेटे? थोड़ी सी फुर्ती तो ला, कह रखा है ना बेटा फोन कम देखा करो, घुटनों को तो सही रखो। तो यहाँ पर ही हमने गन फेंकी थी, ये पड़ी गन, ये अरे गन उठा लेते हैं उस गन को। तो गन उठा लिया हमने, हम जाएंगे आइसक्रीम मैन के पास, उसके सर पे एक और गोली मारूंगा उसकी बहन की। ये तो घोड़ी बन के आ रही है मेरे पास, कोई बात नहीं। ओ भाई खराब हो गई है, ओ एक और वीमो खराब हो चुकी है मेरी, तो मर गया मैं। ओ मतलब उसके लग गई है, बेहोश हो गया एक मिनट के लिए यार, मतलब हराम खोर ने मेरी 2 एमओ खराब कर दी हैं। और मेरे पास बची है सिर्फ 6 एमओ। तो कोई बात नहीं, 6 एमओ बहुत ही है पूरे गेम प्ले के अंदर। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं हम गुफा में से, और हमने चाबी कहाँ फेंकी थी, वो पड़ी हमारी चाबी। तो पहले जो हम कोई ऑफिस की की हुई थी, इसको लेकर जाएंगे हम वैन के अंदर, उसको पहले वैन के अंदर फेंकेंगे, तब आएंगे दोबारा उठाने अपनी पिस्तौल को। तो ये हमने उठा ली है वैन की, तो आराम आराम से जाते हैं रफ्तार से। तो हम आ चुके हैं अपनी वैन के पास, और यहाँ पर मैं फेंक दूंगा इस ऑफिस की को, और अब मैं दोबारा चाहूँगा वो उठाने के लिए अपनी गन को, क्योंकि वो गन बहुत ही काम की चीज़ है। ये रही मेरी गन, ये गन मैंने उठा ली है। तो हम चलते हैं वापसी अपनी वैन के अंदर, यहाँ से चले जाते हैं बाहर, फिर चलते हैं कहीं और देखते हैं कहाँ पर। या हम आ चुके हैं अपनी वैन के अंदर, तो ये इसको यहाँ पर मैं फेंक देता हूँ। और हंस रही है साला, मतलब हराम खोर की हंसी की बस मेरे को यहाँ तक सुनाई दे रही है कि वो उठ चुके। और हम दोबारा चलते हैं कैफेटेरिया में, क्योंकि वहाँ पर जो हमको एक चीज़ मिलने वाली है, वो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है इस गेम प्ले के अंदर पूरे। पर वो चीज़ मेरे को नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या गेम के अंदर ग्लिच हो गया क्या, पता नहीं वो मैं भूल चुका हूँ कि वो कहाँ मिलती है। कोई बात नहीं, हम दोबारा से यहाँ पर आ चुके हैं गेट को, हम ले लेते हैं यहाँ से अपनी गन को, कि गन बहुत ही काम की चीज़ है भाई। तो देखो वो आगे सामने से आ रही है, इसने गेट खोल के अंदर आया और हमने इसके सर पर मार दिया पट से हेडशॉट, तो इसके मुँह के अंदर मारा है मैंने। तो एक मिनट तक ये हो चुका है बेहोश, तो बहुत ही मज़े हैं भाई। तो पहले यहाँ पे खोलते हैं, यहाँ पे कुछ काम की चीज़ें हमारे नहीं है बेटा, मतलब सब चीज़ें खाली कर रखी है यार यहाँ पर। वो तो छुपने की जगह थी वो, कोई बात नहीं, हम ढूंढेंगे उस चीज़ को यार। इसलिए यहाँ पर चलते हैं अंदर, क्योंकि ये अंदर ही मिलती है यार वो ताबड़तोड़ चीज़ होती है, बहुत ही काम की चीज़ है यार वो, मतलब यार चाय भी चाहिए इसके लिए भी यार, मतलब यार हमको बॉल का कार्ड भी चाहिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है हमारे पास अभी, सिर्फ एक पिस्तौल है यार, वो भी पिस्तौल बहुत ही तगड़ी पिस्तौल है ये, मतलब यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है यार। कितनी बार देखूँ, क्या पता इस टेबल के नीचे हो या वो पता यहाँ पर हो। ये डोर क्या चाहिए यार, डोर है, खोलो इसको यार, खोल बेटा। अच्छा चाबी चाहिए इसके लिए भी, मतलब हद हो चुकी है, हर चीज़ के लिए चाबी चाहिए यार। अभी मैं उतना दया ऐसे गंदा मारता है और गेट तोड़ता है बिल्कुल दया की तरह। तो हम गेट खोल के चलते हैं यहाँ से बाहर, यहाँ पे कुछ है क्या बेटा, मिल जाए मतलब। टेबल के नीचे भी नहीं है यार, पिछली बार मेरे को वो यहाँ पर टेबल के नीचे मिली थी चीज़, वो उड़ गया यार। देखो उसकी आवाज़ आ चुकी है चिल्लाने की, वो उड़ चुकी, एक मिनट पूरा हो चुका है हमारा। ये देखो आ गया यार, रुचा जरा आ गया, बहुत ही बढ़िया। और ये पट से हमने इसके मारती है कल्ले पे शॉट और गिर गया यहाँ पे, बेवड़ा कहेगा। तो कोई बात नहीं यार, डस्टबिन में भी कुछ भी नहीं है, वहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, बंदा करे तो करे क्या पूरे गेम के अंदर। और ये तो भाई कोड ही पड़ा है, हमने कोड यूज़ कर चुके हैं, ये कोड किसी काम का नहीं है हमारे। तो कुछ है यहाँ पर यार, मुझे कुछ महसूस तो हो रहा है, कुछ चीज़ तो है यहाँ पर, लेकिन यार वो चीज़ मिल क्यों नहीं रही है मेरे को। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से चलते हैं बाहर, डूब फिर गेट बंद कर देते हैं, उस बार हम चलेंगे पार्किंग के अंदर भाई। इस बार मैंने पार्किंग पे ही क्लिक करा है, तो देखते हैं मेरे को कहाँ लेके जाता है ये, पार्किंग में लेके जाता है मेरे को, बहुत ही बढ़िया। तो पार्किंग में आ चुके हैं भाई, यहाँ पर तो कोई भी कार वारी नहीं है यार, मतलब सन्नाटा छाया हुआ है यहाँ पर पूरी पार्किंग के अंदर। तो चलो फिर भाई गन को रखेंगे अपने हाथ के अंदर, आराम आराम से फिर गेट ओपन करते हैं। ये देखो सामने सिर्फ तो गेट खोलती सामने खड़ा है बंदा ये मेरे, ये तो इसके हमने शॉट मार दिया है अपनी एक और। तो ये सोच चुका है एक मिनट के लिए, बहुत ही बढ़िया, एक काम करता हूँ ना मैं इसकी 3 गोलियाँ मार देता हूँ, तो ये पूरे 3 मिनट के लिए सोता रहेगा और मैं आराम से ये गेम ख़त्म कर दूँगा।
देखो वो पड़ा हुआ बेवड़ा, कोई बात नहीं हम इसके ऊपर से चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाहिए हमको चाबी यार, यहाँ पे चाबी चाहिए हमको, कोई बात नहीं ढूंढेंगे चाबी। तो यहाँ पे भाई रास्ते का है, यहाँ के भूल भुलैया ऐसी लग रही है मेरे को तो, ये कोई बात नहीं। ये रहा गेट, भाई मैं आया कहाँ से था, अच्छा यहाँ से, ये अच्छा ये रहा जीने, कोई बात नहीं हम जीरो से जाएंगे। अभी गेट खोल क्यों नहीं रहा है, जो गेट खुल चुका है हम चलते हैं जीरो से ऊपर, बहुत ही बढ़िया। चल बेटा ऊपर चढ़ना, हाँ यहाँ पे गेट खोल देते हैं हम, अंदर चल बेटा, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है मतलब। तो, ओह वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ओह अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, जो मेरे को जो ऑफिस की की मिली थी वो की यहाँ पर यूज़ होने वाली है यार, नज़र भी हो रहा है। तो यहाँ से चलते हैं, हाँ हाँ भाई यहीं पर यूज़ होनी है वो की। तो हम चलते हैं अपनी वैन के अंदर, उस की को उठाने के लिए, क्योंकि जो आइसक्रीम वाले अंकल हैं वो सो रहे हैं अभी एक मिनट के लिए। तो ये रहा हमारा दूसरा रास्ता, इस बार हम यहाँ से जाएंगे ढलान के ऊपर से, क्योंकि जीनों पे तो अंकल पड़े हुए हैं शराब के नशे के अंदर। तो यहाँ से हम चलते हैं बाहर, अबे बैंड का लोड़ा उड़ गया यार ये फिर से, पर इस बार मैं इस पर अपनी एमओ यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास बच्ची ऐसी 3 एमओ। कोई बात नहीं यहाँ से हम जाएंगे, ये हमारा दूसरा रास्ता था, ये हमने गेट खोल रखा है एक और। तो यहाँ से हमारी वैन कहाँ है, वो खड़ी है हमारी वैन, तो वैन के अंदर पड़ी है हमारी की, कहाँ है बेटा की, ये रही। तो ये हमने की उठा लिया, हम जाएंगे ये यार वो सामने खड़ा है मेरे, क्या करूँ मैं, कोई बात नहीं यहाँ से चलते हैं हम ऊपर। जाती फिर मैं यूज़ करूँगा की को, क्या पता की से कुछ मेरे काम की चीज़ मिल जाए। तो कहाँ पर था वो गेट, कहाँ पर था वो गेट, अच्छा ये रहा वो ऊपर, अच्छा मैंने गेट खोल रखा था ना पहले से ही, तो कहाँ गया, यही तो था यार, भूल भुलैया बना रखी है उन्होंने इसकी पार्किंग को। ये रहा ये रहा ये रहा, मिल गया मिल गया, कोई बात नहीं। ओ भाई खुल गया गेट, तो कुछ है क्या यहाँ पर काम की चीज़, खाली खाली भाई साहब, दो चीज़ें खाली हैं, और ये क्या बैग में, ओ भाई यहाँ पे हमको मिलने वाला है कार्ड, तो हमारा कार्ड चाहिए हमको, चार्ट चाहिए, हाँ हमको जो कार्ड चाहिए था वो कार्ड हमको मिल चुका है, मैं भी चार्ट कह रहा हूँ। तो हमने गेट खोल दिया, यहाँ से चलते हैं हम अपनी वैन की तरफ, आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से जाएंगे यार, क्योंकि वो जो अंकल है ना वो पति हरामी अंकल है भाई वो। तो हम अपनी वैन के पास आ चुके हैं और हम चलेंगे यहाँ से कैफेटेरिया दोबारा, मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ तीसरी बार। तो चलिए फिर चलते हैं जल्दी से कैफेटेरिया में, हमको वो चीज़ मिल जाए यार, जो चीज़ मेरे को चाहिए यार, वो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है इस गेम प्ले के अंदर। तो हमारे पास कार्ड हैगा पाउल का, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, लेकिन अच्छा समझ गया, ओके ओके समझ गया समझ गया समझ, क्या करना है मेरे को। तो आगे बढ़ते हैं, हमको पहले यहाँ से अंदर जाएंगे, यार वो जाग गया ना वो, ये यार ये लोगों इंसान मेरे सामने खड़ा है फिर से दोबारा से, कोई बात नहीं इसको भी यहाँ पे हम घुमा देंगे गोल गोल। अबे मैं तो गाड़ी पे चढ़ गया यार अपनी वैन के ऊपर, अरे ऊपर आ ऊपर आ। तो चलिए ये हमने इसको घुमा दिया है, एक तो आराम आराम से चलता है, ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम दौड़ के खोलते हैं, ये रहा वो कार्ड। तो भाई इस कार्ड से ना सारे जो जितने भी गेट है ना कैफेटेरिया के, वो गेट सब ओपन हो चुके हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे लिए, हम इसको आइसक्रीम मैन अंकल को घुमा सकते हैं इस गेम अंदर पूरे। वो देखो वो बाहर खड़ा हो के क्या ताड़ रहा है भाई तू, ये देखो घूम गया वो, मतलब गाने गा रही है भाई वो, कोई बात नहीं आराम आराम से हम इसके पीछे पीछे जाएंगे। अंदर गया गया अंदर, वो अंदर जा चुके हैं, हम जाएंगे यहाँ से, यहाँ पर क्या है, तो पहले हम उठाएंगे यहाँ से गन अपनी, क्योंकि पहले हमको इसको बेहोश करना पड़ेगा एक मिनट के लिए सारे इस एरिया को छानने के लिए। तो हाँ वो चचा डराओ चचा डराओ चचा, हाँ ये लो चलो सो जाओ एक मिनट के लिए तुम, अब तो वो सो चुके हैं अंकल हमारे एक मिनट के लिए। अब हमारे पास पूरा एक मिनट है यहाँ पर आराम से घूमने फिरने के लिए। तो यहाँ पे ये गेट है, अच्छा ओ भाई साहब अच्छा ये बाहर का गेट ओपन हो चुका है यहाँ से, बहुत ही बढ़िया, मतलब इतने रास्ते खुल चुके हैं ना भागने के यहाँ से। नीचे यहाँ पे क्या बेसमेंट, तो नीचे बेसमेंट में चलते हैं, यहाँ पे कुछ काम की चीज़ मिलेगी क्या, और ये सीनों पर जा रही है, और ये गेट है यहाँ पर, अच्छा ओ भाई साहब ये बाहर का गेट है, मतलब भूल भुलैया है यहाँ पर भी अंदर बिल्कुल। तो खुलेगा क्या, कुछ भी नहीं है क्या यहाँ पे, मतलब कुछ मिल ही नहीं रही मेरे को, ऐसे नहीं है क्या ये क्या, और ये मेरे को, ओ भाई मेरे को चाबी मिल चुकी है उस शटर की। तो चलते हैं फिर से हम पार्किंग जाएंगे यहाँ से सीधा ऊपर चलते हैं, ये रहा गेट खोलना गेट, गेट अब क्या हो गया इस गेट को, गेट को क्या हो गया, गेट दिक्कत क्यों दे रहा है ये भाई, क्या हो गया गेट, अब चाबी है तो मेरे पास, मैं चाबी लगाता रहूँ गेट के अंदर, खुल गया खुल गया खुल गया, कोई बात नहीं हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन लेकिन हमारी जो गन है वो अंदर ही पड़ी हुई है, तो हम पहले अपनी गन को उठाएंगे, ये रही हमारी गन, तो इस गन को उठा लिया, अब हम चलते हैं सीधा यहाँ से पार्किंग के अंदर। तो भाई हम चलते हैं सीधा पार्किंग यहाँ से, बहुत ही बढ़िया भाई, मज़ा आने वाले इस गेम के अंदर। और तो हम पार्किंग में आ चुके हैं गाइस, करते हैं यहाँ से अपनी वैन को लेकर, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से बाहर निकलते हुए हम आराम आराम से, हमको फंसना नहीं है इस वक्त, क्योंकि हमारे पास चांस वैसे ही नहीं है। ओ भाई यहाँ पे खड़ी हुई है BMW, पर ये बहन का लोड़ा फिर पीछे से आ गया यार ये,
फिर पीछे से मारते हैं साला ये अनकर। मैंने कितनी बार बोला है आगे से आके मारकर, और इस बार तो इसने कुछ साउंड भी नहीं करा कि मैं हो जाऊँ क्या, हो मेरे पीछे आने वाला ही है ये। देखो यार हमको इसके यहाँ से ताड़ना है, मुझे पता है कैसे बाहर जाना है यहाँ से, तो पहले हमको ये कीले निकालनी पड़ेंगी। अब कहाँ फंस गया मेरे बेटे, तो ये पहले हम इसको निकाल देते हैं कीलों को। बहुत बढ़िया आवाज़ें हो रही हैं, बहुत ही बढ़िया आवाज़ कर रहा हूँ मैं, तो ये रहा बाहर बंदे। ये देखो मतलब आँखों वाला अंदर हो चुका है ये, इतना मैंने इसको इतना मारा, इसका तो पूरा चेहरा है वो पूरा बिगड़ चुका है। हंस ले बेटा तू, हंस रुक जा, मैं तेरा गेम बजाएंगा आज। ठीक है ठीक है भाई, हम तो चूतिया ओफो, किस कदर भटका रहे हो चाचा अपनी पिछवाड़ा तुम। ओहो ओहो देख रहे हो तुम लोग। ओ भाई साहब ये मेरी वैन के अंदर क्यों जा रही है, तेरी बहन का वैन से बाहर निकल मेरे आराम से। ओ चाचा इधर आओ, चाचा चाचा जान, ओ चाचा हाँ इधर आओ, इधर आओ पीछा मेरे भागते हुए इधर आओ। मतलब मेरी वैन के अंदर घुस रही है, इतना हरामी निशाने है। तो हमने इसको पूरा गोल गोल घुमा दिया है, हम चलते हैं यहाँ से सीधा पार्किंग के अंदर दोबारा से, क्योंकि हम वहाँ पर बिल्कुल गेम ख़त्म करने वाले थे, लेकिन इसने मेरे को ठप्पा बोल दिया पीछे से। तो कोई बात नहीं है, पहले हमारी गन कहाँ गिरी थी, पहले अपनी गन को उठाएंगे हम, और वो पड़ी हमारी गन बहुत ही बढ़िया, पहले गन को उठाएंगे हम, ये गन को उठाया और पहले अब इस कार को बाहर निकालेंगे हम, ऊपर दिखाएंगे निशाना, लेकिन कोई है तो नहीं ना हमारे आसपास। तो ये हमने मार दिया है बिल्कुल, लो भाई साहब क्या निशाना मारा है मैंने। तो ये ऊपर होने वाली है कार, ओ भाई साहब कितनी बेहतरीन कार है, लेकिन आइसक्रीम वाले के आसपास तो नहीं है ना। तो ओ भाई पेट्रोल, ओ मेरा भी याद आया मेरे को क्या चीज़ चाहिए थी, वो थी ये आपका फ्यूल। और फ्यूल मेरे को कहाँ पर मिलेगा, फ्यूल कहाँ मिलेगा मेरे को, हाँ प्ले गार्डन में मेरे को फ्यूल मिलेगा, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए पहले चाचा की आवाज़ आ रही है, पहले इनको एक गोली मार के रहूँ। इसने मेरे को पीछे से मारा था तो मैं इसको उसके सामने से मारूंगा, लेकिन रहने दो भाई, पहले उठाते हैं यहाँ पे ऑफिस की पहले वो शटर ओपन करेंगे जाके यार, लेकिन ये पीछे से आ चुका है मेरे। कोई बात नहीं आराम से इजी, अपने को घबराना नहीं है पहली बात तो, ये अपने को बिल्कुल शांति से गेम ख़त्म करना है। तो ये अरे अरे तेरी बहन जा रहा है तो हमारी गन का गन उठाओ, ये मैंने गन उठा ली, अगर ये मेरे सामने आए बस इसकी गांड पे इसकी गोली मारूंगा ना। ये रहा आजा चाचा, ओ चाचा जान दे, तो देखो यार तुम घूम, तेरी बहन का सरक। और भाई मेरी सारी एम हो चुकी है ख़त्म, तो मैंने गन फेंक दिया, तुम गन मेरे काम की भी नहीं है अब। तो ये प्लास किस काम में आएगा मेरे, लेकिन छोड़ो हम इस प्लास को फेंक देते हैं अपनी वैन के अंदर जाकर पहले। तो हम यहाँ से चलते हैं कैफेटेरिया एक बार फिर से, क्योंकि जो हम चीज़ जो हमको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ कैफेटेरिया में ही तुम्हारे सामने। मैंने क्लिक कराया कैफेटेरिया पे और मैं आ चुका हूँ प्ले गार्डन के अंदर। इसकी बहन का ये ग्लिच कब खत्म होगा इसका, कोई बात नहीं है। आइसक्रीम वाले चाचा मेरे पीछे पड़ चुके हैं, लेकिन मैं भगा दूंगा इनको, लेकिन यार ये पेड़ सामने आ गया था गलती से मेरे। तो चलो वहाँ पे गुफा है, गुफा के अंदर जाके देखते हैं, क्या पता यहाँ पे कुछ मिल जाए मेरे को। मेरे को कुछ याद आ रहा है ओ बहन की यहाँ कैफेटेरिया, मेरे को चाहिए था ग्रीस, और वो ग्रीस मेरे को नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो ग्रीस से ही आकर ये जो गेट है जाल ये ओपन हो जाएगा और अंदर जाना पड़ेगा मेरे को फ्यूल लेने के लिए, पर वो ग्रीस मेरे को नहीं मिल रही है। तो कोई बात नहीं, एक बार फिर हम जाएंगे कैफेटेरिया के अंदर, तो आराम से बिल्कुल शांति से जाएंगे कैफेटेरिया में, आराम से बिल्कुल हम पहुँचने वाले हैं कैफेटेरिया। बहुत ही मज़े। तो आ चुके हैं हम कैफेटेरिया के अंदर, बहुत मज़े आने वाले हैं भाई, क्योंकि गेम बिल्कुल एंड के अंदर आ चुका है। यार अभी तो मैंने लगाया था इसके अंदर कार्ड, फिर से कार्ड मांग रही है हरामखोर। कोई बात नहीं इजी बिल्कुल। कहाँ बेटा चाचा, आ जाओ यार जल्दी से तुम भी यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, हमने गेट ओपन कर दिया है, मतलब नाम लेते ही बंदा हाजिर हो जाता है मेरे सामने। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे यार, मिल जाए गिरीश भाई, गिरीश तू क्यों नहीं मिल रही है यार, मैं तेरे पास 4-5 दफ़ा आ चुका हूँ ढूंढने के लिए गिरीश को, लेकिन ग्रीस मेरे को नहीं मिल रही, और मेरे पीछे पड़ चुका है आइसक्रीम वाले चाचा। ये देखो मैं छुप चुका हूँ, ये मेरे को यहाँ पे देखने के लिए आ चुका है, हमारे सामने खड़ा ही है। ओके गया, बहुत बढ़िया जा चुका है वो, अब हम आराम से बाहर निकलेंगे। ओ भाई सामने खड़ा है, छुप जाओ अभी। ओके गया, बहुत बढ़िया गया। तो चलिए फिर हम दोबारा से ढूंढते हैं ग्रीस को भाई, ग्रीस बहुत ही ज़रूरी है यार, हमको चाहिए ग्रीस। तो यहाँ पर भी नीचे वीचे है कि ज़रा बैठ के चेक करने पर भी नहीं मिल रही यार, कहाँ चली गई, इतना गंदा ग्रीस कैसे होता है यार इस गेमों के अंदर, इन ऑफलाइन गेमों के ये तो लफड़े हैं। ये देखो वो वहाँ पे पीछे गाने गा रही है,
और यहाँ पे हमारी गांठ पड़ के चार हो चुकी है, जिसके चक्कर में हमको क्रिस नहीं दिखाई दे रही है यार। आराम आराम से ढूंढेंगे, बैठ बैठ के ढूंढेंगे, बिल्कुल तसल्ली से ढूंढेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे भाई हम, आराम आराम से बिल्कुल एक एक चीज़ ढूंढूंगा, एक एक चीज़। यहाँ पर भी नहीं है, आराम आराम से बिल्कुल, यहाँ पर एक ही, यहाँ पर भी नहीं है यार, क्या करूँ मैं, कहाँ ढूंढूँ, ये क्या पड़ा है। अच्छा ये तो, अच्छा ये पड़ा आईडी कार्ड हमारा, तो इससे सारे गेट ओपन हो जाएंगे दोबारा से। तो पहले ज़रा सारे गेट ओपन करके आ जाऊँ ताकि मेरे को भागने में आसानी हो जाए। तो ये सारे गेट ओपन हो चुके हैं भाई, यहाँ से बाहर निकलते हैं हम पहले। तो यहाँ पर भी गिरिस नहीं है भाई, यहाँ पर भी गिरिस नहीं है, ये गेट खोलते हैं आराम आराम से बिल्कुल, आराम आराम से, आराम आराम से चलते हैं भाई। ग्रीस मिल जाए यार, यहाँ पर डस्टबिन के अंदर भी ग्रीस नहीं है भाई सब, आवाज़ नहीं आ रही है उसकी, जा चुका है वो, लगता है कि सब खो चुके हैं इस गेम के अंदर, आवाज़ उनकी जरिए से भी नहीं आ रही है मेरे को। बहुत ही मज़े, अच्छी बात है तो मेरी नहीं है। तो आराम आराम से यहाँ पर है क्या, यहाँ पर मिल जाए, यहाँ पर तो हुआ करती थी ग्रीस यार, लेकिन यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर है क्या नीचे, तेरी बहन का एक बार फिर से, मतलब साउंड तो करते यार आने के, खत्म। ओ शिट मैन, ये मेरा लास्ट चांस था, खत्म हो चुका है ये, और ये मेरे को लेकर आ चुका है दोबारा से अपनी फैक्ट्री के अंदर यार। ये रही इसकी फैक्ट्री भाई, बहुत बड़ी फैक्ट्री है इसकी यार, इसने मेरे को फिर से पकड़ लिया। और ये रहा बेचारा मोटू, मैं मोटू यार मैं क्या बताऊँ तेरे को, बहुत तकलीफ होती है मेरे को जब मैं गेम के बिल्कुल एंड तक पहुँच जाऊँ। ये देखो ये रहा मैं, ये रहा फ्रिज के अंदर बंद होएगा मैं, कोई बात नहीं भाई, हम इसको दोबारा ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो भाई लोगों ये था आज का हमारा ताबड़ तोड़ पलंग तोड़ गेम प्ले। अगर ये गेम प्ले आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगले ताबड़ तोड़ पलंग तोड़ गेम प्ले के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।